मीडिया के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री के विधानसभा सदस्यता को लेकर आज सुबह से काफी गहमागहमी है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रभारी की हैसियत से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि ये भी बात उसी सी से छुपी नहीं है कि जिस दिन से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के तिकड़म और हथकंडे अपनाकर वहां की सरकार को कमजोर करने में और विस्थापित करने का सतत प्रयत्न कर रही है। चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग क्यों न हो, ईडी, सीबीआई, अन्य सभी संस्थाएं जो भी संवैधानिक हैं उसके माध्यम से एक जैसी परेशानियों खड़ी कर वहां के जितने भी विकासात्मक कार्यक्रम हैं उसमें अड़चने ला रही है। मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि निर्णय के बाद तत्पश्चात हमारे गठबंधन के जितने भी महत्वपूर्ण घटक हैं उन सभी घटक दलों के साथ में हम चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। इसमें जो भी हमारे बड़े घटक हैं निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि वो घटक के सभी सदस्यों को सम्मानपूर्वक तरीके से लेकर आगे आने वाले समय में जनता से जो हमने 5 साल सेवा करने का वादा किया था उसे हम पूरा करने में तत्पर हैं, संकल्पित हैं। जहां तक कांग्रेस पक्ष का कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी एकजुट है, इकट्ठी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।